हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज मैं आप लोगों को कक्षा चार में विषय हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पार्ट दो वर्ड और शब्द पढ़ाने जा रही हूँ। मैंने जैसे बताया था कि वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई है और वर्ड को अक्षर भी कहते हैं। अब देखिए, मैंने वर्ड दो प्रकार के बताया था, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब देखिए स्वर के भी भेद होते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के दो भेद होते हैं, पहला हर्ष स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर। इस तरह स्वर के दो भेद होते हैं, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। हर्ष का अर्थ होता है छोटा, कम समय, जिसमें कम समय लगे, उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। न तो हर्ष स्वर को बोलने में कम समय लगता है, दीर्घ स्वर की अपेक्षा कम समय लगता है, इसे बोलने में कम समय लगता है। इनकी संख्या चार होती है, छोटा, छोटी, छोटाऊ और री। इस तरह हर्ष स्वर चार होती है, छोटा, छोटी, छोटाऊ और री। ये है आपका हर्ष स्वर। फिर है आपका दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को बोलने में हर्ष स्वर की अपेक्षा दो गुना समय लगता है। कितना समय लगता है? हर्ष स्वर की अपेक्षा दो गुना समय लगता है दीर्घ स्वर को बोलने में। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, ना जब बड़ा ज्यादा समय लगेगा बड़ा काम करने में, छोटा काम करने में कम समय लगेगा। तो दीर्घ स्वर जो है सात होती है, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ और ए, आए, ओ और आओ। इस तरह दीर्घ स्वर सात होते हैं। तो चार और सात मिलाकर आपके स्वर हो गए ग्यारह। छोटा आ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अंग और आहा आपका न स्वर में आता और ना ही व्यंजन में आता, इसलिए इसे अय हुआ कहा जाता है। इस तरह आपके हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर हो गए। अब उसके बाद आती है मात्रा। मात्रा आप लोग लगाते हैं ना व्यंजन वर्ण पर, लगाते हैं ना। बिना स्वर के जो है व्यंजन वर्ण अधूरा होता है। व्यंजन वर्ण बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। हर व्यंजन वर्ण में आ स्वर, आ स्वर मूल रूप से जुड़ा होता है ना। ये आ स्वर ये हर व्यंजन के साथ मूल रूप में जुड़ा होता है। अगर हम व्यंजन वर्ण से आ हटा देते हैं तो वह व्यंजन स्वर रहित हो जाता है। तो देखिए स्वर कितने होते हैं? ग्यारह। और स्वर की मात्राएं कितनी होती? दस। ना आप पूछेंगे ऐसे कैसे? तो जो एक छोटा आ होता है जब व्यंजन व्यंजन के साथ जुड़ता है तो यह दिखाई नहीं देता। कैसे यह दिखाई देता है? मान लीजिए आपका का है ना, और इसके नीचे हलंत लगा हुआ है। जब हलंत लगने का मतलब है कि यह स्वर व्यंजन रहित है। जब हम इसके नीचे से हलंत हटा देंगे तब जो है, जब इसमें हम स्वर जोड़ देंगे यानी का प्लस आ मिलकर हो जाएगा का ना। ये हलंत जब जो है हटा देंगे, आ जोड़ देंगे, तब इसके नीचे से हलंत हट जाएगा और यह पूरा का बन जाएगा। इसी तरह हर व्यंजन के साथ आ स्वर मिला होता है ना। और जब हम और बाकी जो दो दस स्वर हैं उनकी मात्राएं व्यंजन के साथ दिखाई देती हैं। देखिए मान लीजिए का है ना, अब इसके साथ आप बड़ा आ जोड़ेंगे ना, तो यह दिखाई देगी। ये इसकी मात्रा क्या होती? बड़ा आ की मात्रा जानते हैं ना। तो का के साथ बड़ा आ मिला क्या बन गया? का पर आ की मात्रा का। तो ये है आपका का के साथ आ की मात्रा दिखाई पड़ने लगी बड़ा। तो हर व्यंजन के साथ जब मात्रा जुड़ती है तो वह दिखाई देती है ना। जैसे का का की की कु कु के कै का पढ़ते हैं ना। तो इस तरह केवल आ स्वर जब जुड़ता है व्यंजन साथ तब नहीं दिखाई देता है, लेकिन और भी जब बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा, बड़ा, बूढ़ी ये सब जुड़ते हैं तो वह दिखाई देते हैं। तो यह है स्वरों की मात्राएं। अब देखिए आप लोगों का गृहकार है प्रश्न, पहला स्वर के कितने भेद होते हैं? नाम सही कीजिए। देखिए आप मेरे डालेंगे स्वर के भेद। स्वर के दो प्रकार होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर। और एक पिक्चर बनाएंगे और इसे जो है लाइट कलर से कलर करेंगे। फिर आप जो है दूसरा प्रश्न है आपका, हर्ष तथा दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? उदाहरण सही कीजिए। लुक एट द ब्लैक बोर्ड। हर्ष स्वर मेरे डालेंगे, पहला हर्ष स्वर,
उसके बाद दूसरा अल्ट डालेंगे दीर्घ स्वर, दीर्घ लिखेंगे दीर्घ स्वरों की, दीर्घ स्वरों को बोलने में मूल स्वरों की अपेक्षा, मूल स्वर क्या है हरस्व स्वर, जो हरस्व स्वर है वही मूल स्वर है, मूल स्वरों की अपेक्षा दो गुना समय लगता है, दीर्घ स्वरों की संख्या सात होती है, जो इस प्रकार है बड़ा बड़ी छोटा ए ऐ ओ अ। अब काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 ना, तो 7 और 4 मिलाकर कितने हो गए 11। फिर है मात्रा, किसे कहते हैं लिखिए, भेरी डाली का मात्रा, स्वर का जो रूप व्यंजन के साथ जुड़ता है उसे मात्रा कहते हैं, जैसे का प्लस आ बराबर का, इट्स ओके okay?